प्रतियोगी छात्रों से वार्ता की कड़ी में आज मैं मैडम के पास हूँ। मैडम अर्चना पांडे जी हैं, जो कि अंग्रेजी की प्रवक्ता हैं और आप एक शादीशुदा महिला हैं। आजकल महिलाओं के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जब उनका शादी हो जाती है, जब पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तब उनके बाद करियर उनका एंड हो जाता है। उसके लिए बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फैमिली का सपोर्ट बहुत होता है। आप आज लेक्चरर हैं, पहले एलटी ग्रेड में जो है आपकी नियुक्ति 9 महीने तक आपने काम किया है। मैडम सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना आपको। थैंक यू सर। मैम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, जेकि और बच्चियां हैं उनके लिए, लेकिन एक बात पारिवारिक लाइफ में आने के बाद बहुत सपोर्ट की ज़रूरत थी। आपकी जर्नी कैसी रही? जर्नी की बात करें तो आई हैड स्टार्टेड यू नो एजुकेशनल जर्नी की अगर बात करें तो एजुकेशनल जर्नी जैसे सबके साथ होता है वैसे साधारण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और साधारण ही रहा। हाई स्कूल और इंटर मेरा बस्ती बेगम खैर गर्ल्स सेंट्रल कॉलेज से रहा। आफ्टर दैट मैंने BNB डिग्री कॉलेज जौनपुर से मेरा ग्रेजुएशन एंड PG रहा। आफ्टर दैट आई डेंट हैव एनी आइडिया टिल देन। तब तक मेरे पास कोई विशेष आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या है इन फ्यूचर, बट आई वॉज वेरी मच यू नो इन्फ्लुएंस्ड बाई अ टीचर। इंग्लिश टीचर मेरी थी, उनका नाम मिसेज अख्तर मैम थी, तो वो मैं बहुत इन्फ्लुएंस थी उनसे। कहीं ना कहीं मेरे मन में इसी वजह से इंग्लिश के प्रति इंटरेस्ट जागा और फिर मैंने डिसाइड किया लेट्स ट्राई इन दिस फील्ड, मतलब कि इस फील्ड में ट्राई करते हैं, इंग्लिश के साथ ही करियर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और फिर ग्रेजुएशन और PG होने के बाद अचानक से मेरे सामने मैंने BEd का डिसीज़न ले लिया। और मैंने पहले मेरा एम था कि मैं नेट क्वालिफाई करके PhD करूँ, बट BEd फॉर्म भरा था, हो गया उसमें बाय गॉड्स ग्रेस, तो मैंने उसमें एडमिशन लेकर के और अपनी BEd की डिग्री कंप्लीट की। फिर मैंने 2010 से मेरी TGT की जर्नी स्टार्ट हुई। दैट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी और नॉट ओनली फॉर मी, आई थिंक ईच एंड एवरी कैंडिडेट हु इज़ फेसिंग द माध्यमिक एग्ज़ाम। यू नो एक्चुअली द बेसिक प्रॉब्लम वॉज दैट बिफोर मी कि 5 से 6 साल लग जाता था एक पर्टिकुलर वैकेंसी को कम्प्लीट होने, तो दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो हमें उतना चांस नहीं मिल पाता था। सो मैंने वहाँ से जब शुरू किया तो 2010 में मेरी शादी हो चुकी थी। फर्स्ट टाइम मैंने 2010 में दिया, मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया, फाइनली मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई। आफ्टर दैट 2013 में आया चांस, दैट मीन्स कि बीच में बिग गैप था, मुझे उतना प्रॉपर चांस नहीं मिल पाया। तो 2013 में अगेन आई हैड क्वालिफाइड रिटन एग्जाम एंड फेस द इंटरव्यू बट डिडंट गेट फाइनल सिलेक्शन, राइट। सो उसके बाद थोड़ी सी कभी कभी होता है आदमी को निराशा हो जाती है। मेरे बच्चे भी हो गए थे उस समय, मेरी एक बेटी हो गई थी और फिर मैं अपनी लाइफ में बिजी थी और मैं प्राइवेट जॉब भी कर रही थी। तो आई वॉज इन टीचिंग सरदार पटेल इंटर कॉलेज 12, जो कि JP ग्रुप एसोसिएट्स लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है उनके द्वारा चलाया जाता है। तो उसमें मैं नौकरी किया, मैंने लगभग 7 साल मैंने वहाँ पर नौकरी की। बिफोर गवर्नमेंट आई वॉज इन प्राइवेट और मैं प्रॉपरली वहाँ ट्रेंड हुई एज अ टीचर। तो विद माई जॉब एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई कैरी ऑन माई स्टडीज़ एंड यू नो आई वॉज फॉर्म डिटर्मिंड टू गेट माई गोल। एंड देन देयर केम अ सिचुएशन इन 2011, जब मैंने एग्ज़ाम 2011 का दिया तो मेरे बेटी का वही जन्म हुआ था, 20 दिन पहले मेरी सिजेरियन से हुआ था। तो मतलब प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाई, तो मैं 2011 में मैंने रिटर्न भी नहीं क्वालिफाई किया। तो इट वाज यू नो वेरी एम्बैरसिंग फॉर मी और बहुत ही डिप्रेसिंग था मेरे लिए वो सिचुएशन, लेकिन स्टिल आई होप दैट यस आई कैन। आई डिडंट मतलब एक भी बार मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे मिलेगा नहीं, बस मेरे मन में ये था कि मिलेगा तो है ही, ले तो लूँगी ही। तो दैट इज़ वाई आई कैरी ऑन। एंड देन 2016 की जो वैकेंसी आई, सोचिए 2010, 2013 एंड देन 2011 हुआ। कब आफ्टर बहुत बड़ा बैड लक है कमीशन का कि वैकेंसी बहुत डिले आती है, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी फेस। सो 2016 का जब हुआ एग्ज़ाम तो उसमें मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ और आफ्टर दैट मुझे लगा कि अगर इस बार मैं सिलेक्शन लेने में सफल नहीं हो पाई तो इट विल बी वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी। तो मैंने उसमें इंटरव्यू के टाइम पे क्या हुआ, मेरे साथ एक मेरा ग्रुप बन गया व्हाट्सएप पे, मैंने एक कुछ बच्चों का हमारा तैयारी करने वालों का 30-32 बच्चे थे हम लोग, उसमें हमने एक ग्रुप डिज़ाइन किया और ग्रुप में व्हाट्सएप पे हमने स्टार्ट किया डिस्कशन इंटरव्यू प्रिपरेशन।
वहाँ से मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ. मतलब इट वाज अ बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट यू कैन से, कि मैं वहाँ से जो ग्रुप डिस्कशन का मेथड, जो डिटेल स्टडी हमने स्टार्ट की, तो अभी तक मुझे जो पढ़ा था मैंने, मुझे लगा आई डिडंट नो एनीथिंग. मैं बेसिक नॉलेज से बहुत दूर थी, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं था. तो वहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो गया और फिर हमने जो है डिस्कशन स्टार्ट किया, फिर हमने इंटरव्यू फेस किया, फाइनल सिलेक्शन भी हुआ. आपने कोचिंग नहीं लिया कहीं? नो, नॉट यू नो एनी पर्टिकुलर कोचिंग नहीं लिया. मैंने इंटरव्यू टाइम पे एक सर को ज्वाइन किया था, शिवम दुबे सर हैं इलाहाबाद प्रयागराज में, तो उनको मैंने इंटरव्यू टाइम पे ज्वाइन किया था और उनकी मतलब गाइडेंस अच्छी रही और वही इंटरव्यू से हमारा ग्रुप फॉर्म हुआ. जो मेन मैं श्रेय दूंगी मेरी सक्सेस का, वो मेरे ग्रुप को ही दूंगी कि वहाँ से हमने जो स्टडी मैथड अडॉप्ट किया दैट वॉज वेरी हेल्पफुल. सो वहाँ पे फिर 2016 का जब मेरा इंटरव्यू हुआ, आई गॉट 47.5 इन इंटरव्यू, 50 में 47.5 नंबर इंटरव्यू में मुझे मिला और फिर वो जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ. हालांकि मेरा सिलेक्शन 2016 में TGT में हो गया लेकिन रैंक अच्छी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं मन में एक पीस थी कि मैंने वो अचीव तो कर लिया जो मुझे चाहिए था, बट उस वे में नहीं अचीव किया जिस वे में मुझे चाहिए था, क्योंकि अब मेरा जो नॉलेज था वो डीप हो चुका था. इतने साल का एक्सपीरियंस और इतने साल की स्टडी के बाद फिर जो नए लोगों से जुड़ने के बाद जो आपस में एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो है बहुत फ्रूटफुल हुआ. तो मैंने 2021 में मैंने दोबारा से TGT और PGT का फॉर्म भरा और TGT का मैंने गर्ल्स ग्रुप में एग्ज़ाम दिया और PGT का बॉयज़ ग्रुप में दिया. तो TGT के गर्ल्स ग्रुप में मेरी 13 रैंक आई, पूरे UP में 13 रैंक आई. एंड जब मेरा PGT में 2021 में सिलेक्शन हुआ तो आई गॉट 16 रैंक ऑल ओवर UP. अच्छा, ऑल ओवर UP 16 रैंक? यस, 16 रैंक. सो देन आई गॉट, यू नो, देन आई केम टू नो दैट यस वी कैन अचीव इफ वी आर डिटरमिंड टू ए पर्टिकुलर यू नो गोल. मेरे मन में ये था 2021 की प्रिपरेशन करते समय, मैं ऑल द टाइम अपने आप से सिर्फ ये कहती थी आई विल बी इन टॉप 20 ऑलवेज. मैं पॉजिटिवली, एक पॉजिटिव वे में एक एटमोसफेयर क्रिएट हो जाता है आपके इर्द गिर्द. सो वो जो थी और उसके पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत रोल रहा है, नॉट ओनली इन द यू नो, मैं हाउस वाइफ के साथ साथ मैं वर्किंग वुमेन रही हूँ, तो वर्किंग वुमेन टाइम से उस समय से काम करते बाहर अंदर सब संभालते हुए, और हस्बैंड मुझे हर जगह ले जाते थे एग्ज़ाम दिलाने. कभी नहीं कहा कि तुम बार बार जो है असफल हो रही हो तो यू शुड स्टॉप हियर. मैडम, ये तो आपकी फैमिली की बात हुई, फैमिली का सपोर्ट मिला, हस्बैंड का सपोर्ट मिला, आप पहले संघर्षरत रही हैं. ये बताइए कि टीचिंग के अलावा और भी आगे आपके जाने कोई इरादा है कि बस यहीं तक ब्रेक? एक्चुअली वॉट एवर आई हैव फेस्ड इन माई लाइफ, वॉट एवर एक्सपीरियंसिस आई हैव गेन्ड, आई जस्ट डिसाइडेड दैट आई विल शेयर इट विद अदर पीपल, कि जितना हो सके मैं दूसरों को गाइड कर सकूँ, दूसरों की हेल्प कर सकूँ, सो दैट जो मैंने जितनी असफलताएँ मैंने देखी हैं, जितनी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है, सिचुएशंस मैंने फेस की है, उससे किसी न किसी को मैं फ़ायदा पहुँचा सकूँ. दैट इज़ वाई यू नो इवन आफ्टर गेटिंग द सेलेक्शन आई एम यू नो लिंक्ड विद दैट पर्टिकुलर ग्रुप. जो मैंने ग्रुप शुरू किया था वो अभी तक मेरा ग्रुप मतलब कंटिन्यू है. उसमें एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश के लिए बुक एडवाइस कर दिए, स्पेशली सब्जेक्ट में जाना चाहूँगा. अभी प्रतियोगी छात्र भी जो बहुत हैं, बहुत अभी देखिए कंप्यूटर भी 2 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, उनके लिए आप बुक एडवाइस कर दिए मेरा, क्योंकि मार्गदर्शन मिल सके, मेरा उद्देश्य ये है. देखिए सर, मैं यही कहना चाहूँगी, जब तक मैं बुक पे डिपेंड थी, जैसे वैसे सबसे अच्छी प्रैक्टिस सेट होती है एसके अरोरा है और प्रकाश पब्लिकेशन की एसके अरोरा, और रंजीत सिंह की है एक बुक जो है सक्सेस इन हैंड, वो ले लें आप तो वो आपको गाइड तो प्रॉपरली मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगा पर्टिकुलर बुक से, आपको ये आइडिया लग जाएगा आपको क्या पढ़ना है. बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि यू शुड गो इन डिटेल. आपको चूंकि आज का जो कंपटीशन का दौर है, हर आदमी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, ओनली व्हेन यू विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, यू विल गेट द डेप्थ्स, देन यू विल बी एबल टू गेट सेलेक्शन इन एनी फील्ड. किसी भी फील्ड में आप तभी सफल हो पाएंगे जब आप एक कंटिन्यूटी के साथ, जैसे आप पर्टिकुलर 2 hours a day डिसाइड कर लीजिए, नॉट मोर देन 2 hours, आप 3-2 जितना आप दे पाएँ दिन में. मैं तो कम दे पाती थी क्योंकि आई वॉज अ वर्किंग वुमेन, तो 2-3 hours जो भी आप दे पाएँ, बट यू नो कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी शुड बी देयर, एक ब्रेक नहीं होना चाहिए. तो और डिटेल स्टडी, जैसे जितने राइटर्स हैं मेरे PGT में 17 राइटर्स थे, TGT में केवल 4 राइटर्स हैं, तो आप 17 राइटर्स को जब उठाइए तो आप एक एक राइटर्स की बायोग्राफी एंड देन इंपॉर्टेंट वर्क्स को फोकस करते हुए पढ़ते चले जाइए. वर्क्स को फोकस करेंगे क्योंकि आजकल का जो पेपर पैटर्न है, बोर्ड जो बनाता है. हाँ मैडम, पैटर्न बता दीजिए कि 2010 से आप TGT दे रही हैं, अब आज मतलब करीब 12 ईयर हो गए
12 वर्ष हो गए होंगे, तब से आपका पैटर्न क्या चेंज हुआ है, पहले से अब में चेंज क्या आ पाती है? यू नो अ बिग ड्रास्टिक चेंज वी फेस इन इट राइट. पहले जो पैटर्न था इट वॉज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव पैटर्न राइट, कि आप रट लेते हैं कुछ चीज़ें, आप फिक्स हो जाती हैं, ये सन आएगा, ये बायोग्राफी में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे हाईलाइट कर लेते हैं, कुछ वर्क्स हाईलाइट कर लेते हैं और आप उस वर्क से कुछ पर्टिकुलर लाइन्स उठा लेते हैं. तो बहुत ईजी पैटर्न, इवन ग्रामर के बहुत ईजी पैटर्न हुआ करते थे. लेकिन नाउ अ डेज क्या हुआ, पेपर पैटर्न हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज. इसमें क्या है, इसमें आपको डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ग्रामर का होगा ओनली देन, क्योंकि रूल्स पे बेसिस क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप 2016 का टीजीटी और पीजीटी का क्वेश्चन पेपर उठाइए, इट वाज वेरी डिफिकल्ट. नेट का स्टैंडर्ड उन्होंने दिया है. सो उसमें क्या था कि आप कॉन्सेप्ट बेसिस पे, आप कोई भी चीज़ अगर रूल पढ़ रहे हैं, नरेशन पढ़ रहे हैं, तो उसके रूल्स पे क्वेश्चन आए, आप उनको केवल सॉल्व करके, उनको प्रैक्टिस करके नहीं कर सकते. वो उसके लिए आपकी डीप नॉलेज होनी चाहिए. दैट इज़ वाई आई एम फोकसिंग दैट आप डिटेल में जाइए, वर्ड टू वर्ड आप डिटेल में जाइए, एक भी टॉपिक उठाइए तो उसको इतना पढ़िए कि अगर जैसे आप ग्रामर स्टार्ट करते हैं तो यू शुड स्टार्ट विद नाउन विद पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, तो वहाँ से जो क्लैरिटी आएगी आपका कोई क्वेश्चन कहीं नहीं जाने. एक चीज़ और बताते हैं मैडम, जैसे एग्जाम हाल में बहुत कुछ आपका आता हो, बहुत अच्छी स्टडी आपने की, बहुत अच्छी प्रिपरेंस हो, लेकिन जो एग्ज़ाम हाल है उसमें जो है एक अलग टैक्टिस होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की. बहुत कुछ लोगों को आता है लेकिन सॉल्व नहीं कर पाते, मौके डिप्रेस हो जाते हैं, 5-10 क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं, उसके लिए एक टैक्टिस आप बता दीजिए. That is exam pressure. जी जी. और इसमें हर कोई आई थिंक फेस करता है, इवन आई हैड फेस दैट. वो होता है, हम जब वहाँ होते हैं हमारे हाथ पैर कांपते हैं, हमें लगता है ये हमारा लास्ट चांस है, हम इस पर पता नहीं क्या होगा. बट उस समय अगर आप अपने दिमाग को काम एंड कंपोज करने में सफल हुए, यू शुड गो, यू नो, फर्स्ट 5 मिनट्स यू शुड गिव जस्ट, यू नो, रीडिंग द पेपर्स. आप पहले 5 मिनट केवल पेपर को पढ़िए, एनालिसिस करिए, अपने आप को शांत करिए, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट, यू नो, डूइंग द पेपर. एक बार आप रिविज़न ज़रूर कर लीजिए, कोई क्वेश्चन आपसे छूटा तो नहीं है. क्वेश्चंस को पर प्रॉपरली 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है नॉट दिया रहता है, आपसे कुछ पूछा गया कि इसमें से ऐसा क्या नहीं है, तो हमारा नॉट पे जाता ही नहीं है, नॉट पे नज़र नहीं जाती हमारी, और वहाँ हमारा ये क्वेश्चन चला जाता है. तो ज़रूर पेपर प्रेशर जो होता है उस पर अगर आप कंट्रोल कर ले गया तो सक्सेस इन योर हैंड. मैडम का कहना है कि देखिए पेपर को ढंग से पढ़ना चाहिए, पेपर को जब तक ढंग से स्टडी नहीं कर दिए, ये गलती मैंने भी टीजीटी दिया था, हमको याद आता रहा है कि हम पूरा चारों ऑप्शन पढ़ते नहीं थे, जो हमें क्लिक कर गया उसी टक टिक मार देते थे, और बाद में घर आने पता लगा था नहीं फोर्थ वाला था, जैसे आपने बताया कुछ निगेटिव देरा क्वेश्चन भी निगेटिव टाइप पूछ लेते हैं इस समय तो ठीक. इसलिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ना हमको टाइम दिया आपने, और लास्ट में एक मैसेज आप कन्वे कर दीजिए अपने जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो कंप्यूटर हैं, उनके लिए. मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी केवल एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, क्योंकि बिना कंटिन्यूटी के आप कोई भी गोल अचीव, नॉट ओनली टीजीटी एंड पीजीटी, एनी गोल इन योर लाइफ यू कैन गेट ओनली थ्रू कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी. सो वो बना लीजिए और डेफिनेटली सक्सेस विल बी इन योर हैंड्स. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. अयोध्या दर्पण से बात करेंगे. धन्यवाद. थैंक यू.